साड़ी चीज़ दे विच कोई भी कमी नहीं आई। ब्रैड जी 40-50 रुपए की सी, इस टाइम 60-70 रुपए की हो गई। आयल का पैकेट भी उस तरह ही है। एल पी जी कम होने की बजाय होर महंगी हो गई है। सानू कोई लीफ नहीं मिल रही सर। महंगाई का कोई असर नहीं होया किसी किस्म का भी कह सकते सस्ती कोई चीज़ नहीं हुई हैगी। पेट्रोल सस्ता होने की वजह लोग कहते भी रिलीफ देवे, अदारे कहते रिलीफ देवे, कोई चीज़ का किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलया है हजे तक। यानि कि कह लो कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। इन्होंने पिछले तो चीनी घे के पिछले तो कोई चीज़ सस्ती नहीं सानू मिलती हैगी। अच्छा, डालर जिन्ना सस्ता है ना उन्नी चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। जितने जाने वो कहते कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई। अच्छा, घे सस्ता आया पता लग गया 40 रुपये सस्ता, वो घे मिलता नहीं सस्ता 40 रुपये। अच्छा, वो सस्ता होया ही नहीं। नहीं जी, बस पेट्रोल सस्ता होया, डालर सस्ता होया, लेकिन फिलहाल खाण पीने वाली चीज़ या बाकी चीज़ा कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज आपको दिखाएंगे डॉलर और पेट्रोल सस्ता होने पर हमारे खाने पीने चीज़ें हैं ये सस्ती हुई हैं या नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे अवामुन नास का इसके बारे में क्या कहना है। तो जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। और जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको इस तरह की न्यूज़ वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, की हाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर। देखो तुहाडी नज़र और मेरी नज़र दे विच डालर भी सस्ता होया ते पेट्रोल भी सस्ता होया, जिहड़ी साडी आ फूड खाण वालीआं चीज़ां वा इहदे विच कोई कमी पेशी आई है? ये महंगाई उदा ही रूज दे उत्ते आ। साडी चीज़ दे विच कोई भी कमी नहीं आई। ब्रैड जी 40-50 रुपए की सी, इस टाइम 60-70 रुपए की हो गई। आयल का पैकेट भी उस तरह ही है। एल पी जी कम होने की बजाय होर महंगी हो गई है। सानू कोई लीफ नहीं मिल रही सर। नहीं, ये कहंदे आ कि जी जिहड़ा साडा डालर सस्ता होया पेट्रोल सस्ता होया उहदे नाल काफ़ी फर्क पै जांदा, जिद्दां चीज़ महंगी हुंदी इह सस्ती किद्दां क्यों नहीं हुंदी है? हाँ जी, जिस तरह चीज़ हले कि कहंदे जी डालर सस्ता हो रहा तो महंगाई घट नहीं हुंदी। डालर महंगा हजे हुंदा ही है तो चीज़ पहले ही वह महंगी कर देंदे है जी, ये जी पुराने रेट दे है जी ये मिलेगी। सानू कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलती। जिस तरह भी कह लो कि असी उन्होंने कहने कि भाजी डालर सस्ता हो गया, तेल सस्ता हो गया, साड़ी भी कोई चीज़ करो, वो कहने जी भाजी पिछे महंगी आ रही। पिछों कंट्रोल साडे अदारे ने करनी है। तुसी ये जिहड़े साडे खास अदारे आ, असिस्टेंट कमिश्नर आ, डिवीजनल कमिश्नर आ, जिन्हों असी डीसी कह लैंदे आ, तुसी उन्हां नूं की पैगाम दोगे? असी तो यही कहने जी साडे गरीबां वास्ते उन्होंने चाहिए कि इन्हां नूं कंट्रोल किया जाए। जो भी है इन्हों खुद देखना चाहिए कि चीज़ सस्ती हुई है या नहीं हुई। सानूं तो उस रेट से हर चीज़ मिल रही है तो जिस तरह सानू आ रही उस तरह ही आ रही है जी। असं कहने जी भाजी ने सस्ता को कहते जी हर शह महंगी है जी, असं सस्ती कितों करिए? तो वह कहें जी हूँ अपना मोटरसाइकिल वगैरह जो वो सस्ते हुए हजे नोटिफिकेशन कहते जी आया ही नहीं जी, हजे कोई नहीं जी, पहली नू पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, की हाल? ठीक है, शुक्र अल्लाह। सर देखो डालर सस्ता होया पेट्रोल सस्ता होया, तुहाडे हिसाब नाल बाकी जिहड़ियां खाण पीण वालियां चीज़ां इन्हां दे रेट घटे आ या उत्थे खलोते है? इन्हां दे जनाब बिल्कुल उत्थे ही है। महंगाई का कोई असर नहीं होया किसी किस्म का भी कह सकते सस्ती कोई चीज़ नहीं हुई हैगी। पेट्रोल सस्ता होने की वजह लोग कहते भी रिलीफ देवे, अदारे कहते रिलीफ देवे, कोई चीज़ का किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिले है हजे तक। यानी कि कह लो कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, उसकी वजह ना काफ़ी लोग परेशान आ। चोरियाँ डकैटियाँ रोज़ घर जाने लगे भी डर लगता भरावा, हूँ घर जाने रोज़ तीए दिन चौथे दिन कभी इधर न जाओ तो इधरों खबर आ जाती है जी, इधर इधर बंदा मोटरसाइकिल लुट लिया जी, इधर न जाओ तो इधर कि नाम नहीं आता है, बंदा कह दिंदा भी भाजी इतने डकैटी हो गई, गन पॉइंट से कोई चीज़ खो के लै गए, परस लै गए। ये बहुत चीज़ा मुतासर हो तकरीबन नहीं अभी नहीं है। जो बढ़ गया वो नीचे नहीं आते रेट? वो मीडिया पे जो चल रहा था ना अभी 5-10% कम करेंगे, वो भी नहीं अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अंकल जी, की हाल है? ठीक है सर, तुम सुनाओ। अच्छा अंकल जी, जिदा कि डालर सस्ता होया पेट्रोल सस्ता होया, हाँ जी, तो हिसाब ना जी खाण पीण वाली चीज़ा इस्तेमाल होंगे घे चीनी इदा दीज़ा जीडिया ये सस्तियाँ हुई या नहीं हुई? इन्होंने पिछले तो चीनी घे के पिछले तो कोई चीज़ सस्ती नहीं सानू मिलती हैगी। अच्छा, डालर जिन्ना सस्ता है ना उन्नी चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। जितने जाने वो कहते कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई। अच्छा, घे सस्ता आया पता लग गया 40 रुपये सस्ता, वो घे मिलता नहीं सस्ता 40 रुपये, वो कहते सस्ता होया ही नहीं। जिहड़ी चीज़ सस्ती ने खबर जाती है वो मिल नहीं रही है? वो मिलती नहीं, दिंदे कोई नहीं है, वो कहते थोनू पता नहीं कहड़ा तलाह दे दिंदा, सस्ती तो हो ही कोई नहीं। अच्छा, खबर ये जिहड़े साडे अदारे आ जिदा कि
जिन्होंने सरगरम जिदा ए सी डी सी साहब ने काम करवाना वा असी हुण इन्हां नूं की दरखास्त करदे आ तुसीं की दरखास्त करोगे कि इन्हां ते अमल दरामद कराने हैं असी इन्हां ते जिहड़ी मर्जी दरखास्त कर दी इन्हां ते कोई अमल दरामद नहीं करता सारे रले हुए सारे इको कुछ मतलब कि तुहाडे कहिण दा मतलब माफिया सरगरम सारा ही कुछ इको कुछ ही है सिर्फ नाम दी सस्ता हुंदा हाँ नाम दा ही सस्ता हुंदा तैनूं मैनूं पता लग जांदा वी सस्ता हो गया सस्ती मिलदी कोई चीज़ नहीं सस्ती मिलनी नहीं उम्मीद नहीं रखी जा उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि तुहानूं कोई चीज़ सस्ती मिलेगी अच्छा तुहानूं आने वाला दौर किसी का नज़र आता जो बहुत अच्छा गुजरेगा पिछला सारा दौर चंगा ही नहीं गया पिछले दिन बहुत सोहना सी ठीक से नहीं वो कुछ सस्ता सीगा हुण तो कोई सस्ता नहीं कह सकता तुसी किसे नूं सपोर्ट करदे हो किसे नूं अपने समझदे कि वह बंदा तुहाडे काबल है जिन्हों वोट दोगे तुसी कि जिहड़ा अच्छा बंदा वा सानूं तो कोई नहीं लगता कि किन्नू वोट दी अच्छा होगा पेट्रोल सस्ता होया डालर सस्ता होया उहदे नाल तुहाडे सामने कोई चीज जिहड़ी खाण पीण वाली आ इह कोई घटी आ जां उदां ही आ नहीं जी बस पेट्रोल सस्ता होया डालर सस्ता होया लेकिन फिलहाल खाण पीण वाली चीज़ या बाकी चीज़ा कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई अच्छा तुसी जी जेडे ए सी साहब या डी सी साहब नू की पैगाम देना चाहते कि ये जेड़ा वर्किंग करन और इन्हां ते जेड़ा कंट्रोल कर सकन डी सी साहब वास्ते और ए सी साहब वास्ते ये अर्जा कि वो जेड़ा ना अच्छे काम करन अच्छे कमां तो मुराद ये आ कि गरीब नूं तरजीह देण ठीक है अमीरां दे लोटे ना बनन ठीक है हकूमत दे लोटे ना बनन ठीक है अच्छे कदम उठाउण और अच्छे काम करन और नज़र आउण जिहड़े उहनां दे मतलब आखरत भी कम आउण आखरत दे विच भी उहनां दे कम आउण ठीक है दुनियादारी इत्थे रह जाणी ठीक है हाँ जी अच्छा सर तुहाडी नज़र दे विच आउण वाला बंदा जिहड़ा वा ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹਨੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਲੜਿਆ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਯਾ ਕਨਾਬ ਦੋ ਇਯਾ ਕਨਸਤਾਈਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਡੀ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਯਾ ਕਨਾਬ ਦੋ ਵਾ ਇਯਾ ਕਨਸਤਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ